नंबर 11 देखते हैं, बोल रहा है वाई इंटू डी एक्स प्लस इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी एक्स माइनस वाई स्क्वायर है ना ये, हाँ एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन में यदि हम देखें तो देखो बच्चों, अगर इसको आप डी वाई बाई डी एक्स टाइप का एक बार बना के देखना अगर चाहो तो देख सकते हो, ठीक है, बट ये बनेगा नहीं। आओ पहले देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स टाइप का बना के, इसको उधर ही रहने देते हैं, इस पूरे को उधर भेज देते हैं, यानी कि एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई इंटू डी एक्स, इसको इधर भेज दिया। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए डी एक्स को नीचे ले आओ, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई इधर रहा और इस पूरे को नीचे डिवाइड में भेज दो ऐसा एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आप ध्यान से चेक करिए, ये आपका बन नहीं पाएगा, है ना, कैसे, इस पूरे को लेफ्ट में लेके आओगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और ये आगे माइनस प्लस हो जाएगा वाई अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इज इक्वल्स टू में जीरो हो गया, तो ये आपका देखिए फर्स्ट फॉर्म का नहीं बना, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में क्यू राइट हैंड साइड में क्यू कोई ना कोई कॉन्स्टेंट आना चाहिए था, हालांकि जीरो आया है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन वाई के सामने जो भी होगा वो एक्स का फंक्शन होना चाहिए, वाई के सामने क्या है, हाँ वन अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर है जो कि एक्स का फंक्शन नहीं है, किसका फंक्शन है, वाई भी उसमें शामिल है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स टाइप का नहीं बन पा रहा है। ठीक है, अब इसको डी एक्स बाई डी वाई टाइप का बनाते हैं, कोशिश करते हैं। तो देखिए बच्चों, वाई इंटू डी एक्स और ध्यान दें यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और वाई स्क्वायर कैसा हो जाएगा पॉजिटिव और एक्स कैसा हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब वाई इंटू डी एक्स इस पूरे को राइट में भेज दो, तो ये ब्रैकेट के आगे माइनस क्या हो जाएगा, ये साइन प्लस हो जाएगा उधर जाके, तो प्लस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई। ओके बच्चों, और प्लस आगे लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ डिवाइडिंग बाय वाई, वाई से जब आप डिवाइड करोगे ये वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन वाई और डी वाई को यहाँ नीचे भेज दो, तो डी एक्स बाय ये देखिए डी वाई यहाँ नीचे आ गया, डी एक्स बाय डी वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन वाई। ठीक है बच्चों, अब क्या करोगे आप, डी एक्स बाय डी वाई इज इक्वल्स टू, अब ये वाई इसको भी दो उसको भी, यानी कि वाई स्क्वायर अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई। देखिए कोशिश किया करिए, पिछली बार जब हमने किया था डी वाई बाई डी एक्स टाइप तो हमारा कुछ ऐसा आ रहा था वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स, है ना, इसको बच्चों थोड़ी ना आप स्प्लिट कर सकते हो, इसको दो पार्ट्स में थोड़ी ना तोड़ सकते हो, लेकिन इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हो वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में वाई, तो वाई इसको भी दे सकते हो उसको भी दे सकते हो, है ना, तो आपको हमेशा ऐसी स्थिति बनानी कि आप स्प्लिट करने में कामयाब हो, समथिंग अपॉन नीचे प्लस या माइनस नहीं होना चाहिए, ऊपर प्लस या माइनस होना चाहिए और नीचे समथिंग होना चाहिए, तब आप स्प्लिट कर पाओगे, और जब आप स्प्लिट कर पाओगे तभी आपका काम बनेगा। ठीक है, देखिए वाई से वाई कैंसिल हो गया, ठीक है, तो यहाँ से हो गया आपके पास डी बाय डी एक्स बाय डी वाई और इसको आप लेफ्ट में ले आइए, तो प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू यहाँ क्या बच गया वाई बच गया, एक वाई से एक वाई कट गया यहाँ वाई बच गया। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये हो गया डी एक्स बाय डी वाई प्लस वन अपॉन वाई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू वाई, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये आपका सेकेंड फॉर्म है ना, डी एक्स बाय डी वाई प्लस पी वन एक्स इज इक्वल्स टू क्यू वन, तो एक्स के सामने जो भी वो पी वन हो जाएगा, यानी कि पी वन इज इक्वल्स टू वन अपॉन वाई जो कि वाई का फंक्शन होना चाहिए और क्यू वन इज इक्वल्स टू कितना हो गया वाई जो कि खुद वाई का फंक्शन है। ठीक है, अब हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई की पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी वाई पी वन डी वाई। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ पी वन, पी वन की जगह वन अपॉन वाई डी वाई, अब ध्यान दें बच्चों वन अपॉन वाई का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड वाई, मॉड लगाएंगे नहीं क्योंकि वाई हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, ई और लॉग हट जाएगा आंसर आ जाएगा वाई, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया वाई। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं बच्चों, तो एक्स इंटू सॉल्यूशन देखिए, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इन द ब्रैकेट क्यू वन इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्यू वन कितना है वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी कितना है वाई डी वाई प्लस सी, तो एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, इसका मतलब हमको किसका इंटीग्रेशन करना है वाई स्क्वायर का, तो एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है वाई क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी, वाई की पावर में एक जोड़ दो जो ऐसे से डिवाइड कर दो, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, चाहो तो आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो डिवाइडिंग बाय वाई बोथ साइड, इधर भी हम वाई से डिवाइड करेंगे
इधर भी वाई से डिवाइड करेंगे तो ये वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू, अब ये वाई इसको भी मिलेगा, इसको भी, इसको मिलेगा तो ये हो जाएगा वाई क्यूब अपॉन थ्री वाई प्लस इसको मिलेगा तो सी अपॉन वाई, एक वाई से एक वाई कटेगा तो यहाँ वाई स्क्वायर बन जाएगा, तो एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाय थ्री प्लस सी अपॉन वाई, और चाहो तो इस वाई को आप ऊपर भी भेज सकते हो बच्चों। तो लेट मी चेक द आंसर किस फॉर्म में दिया है इन्होंने, इसी फॉर्म में दिया है ठीक है। तो इस आंसर को, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए।